हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और अभी हमारे पास है एक मी का 360 डिग्री वाला कैमरा, जो कि मैंने एक रिक्वायरमेंट पड़ी तो जो है मैंने इसको ख़रीदा है। और इसको आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप इसको इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस सारा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एक छोटा सा पैक मिलता है जिसमें आपको मी सिक्योरिटी कैमरा 360 डिग्री 1080p है, AI मोशन डिटेक्शन अलर्ट आपको इसमें है, हाई HD वीडियो जो कि 2 मेगापिक्सल का है, वो मतलब जितना भी आपको इसमें अच्छी फुटेज दिए जाती है। और इसमें जो है आपको है गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ भी ये कंपैटिबल है। तो एक ये 360 डिग्री है, 360 मतलब ये नहीं कि आपको जो है ये पूरा ऐसे एक बार में पूरा व्यू देगा, मतलब ये रोटेट होता है उसके हिसाब से, कैमरे के हिसाब से जो एप्लीकेशन में आप इसको लेफ्ट राइट का कर सके करके जो है अपने एंगल के हिसाब से देख सकते हैं फुटेज। तो ये वो कैमरा है, इसको मैं एक बार जो है बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें एक बॉक्स है छोटा सा बेसिकली, और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से USB केबल। ये मैंने बॉक्स को पहले ओपन कर लिया था, इसके पहले जो मैंने ख़रीदा था उसमें जो है मेरा अडाप्टर ख़राब था, तो वो मैंने रिटर्न करके जो है सेलर से और ये जो है दोबारा से ख़रीदा है। तो आप देख सकते हैं एक अडाप्टर आपको मिलता है, मोबाइल चार्जर है, नॉर्मल USB 2 माइक्रो USB जो है इसमें आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर मिलता है। और इसके अंदर ये जो इंस्टॉलेशन गाइड है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिल जाता है माउंटिंग किट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से किस तरह से वॉल माउंट करना है। और ऐसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से आप रखने के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, इसको जो है फटाफट से मैं जो चीज़ किट वगैरह है वो सब मैं साइड में रख लेता हूँ। और एक यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो मेन यूनिट है हमारा कैमरा, वो कैमरा भी आपको मैं एक और से खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से प्लास्टिक के अंदर आपको आता है, और यहाँ से इसको आप निकाल लें आराम से। और ये कैमरा है आपको, जो कि एक ऊपर और एक नीचे के सेक्शन में से डिवाइडेड है, और ये ऊपर वाला जो हेड है ये मतलब रोटेट करता है, घूमता है इस तरह से। तो और इस बॉक्स में कुछ नहीं मिलता आपको, खाली अडाप्टर, माउंटिंग किट, डाटा केबल और एक कैमरा मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये जो मेन मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं बताऊँगा ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या है इसका, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। और इंस्टॉल करके कि नेट पे आप इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करके आप कहीं भी रहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये वायर है माइक्रो USB टू USB जो है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अडाप्टर लगा दिया। और ये वायर काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, जो कि 1.5 मीटर से 2 मीटर के लगभग है, मतलब 1.5 मीटर तो होगा ही कम से कम, काफ़ी लंबी है ये वायर। तो एक बार मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से आइडिया नहीं लग पाएगा ज़्यादा इसमें। तो ये जो है मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ अपने पावर सोर्स पे, और ये हमेशा ऑन रखने का रहेगा आपको, जैसे आप इसको कैमरा को जितनी देर भी ऑन रखना चाहते हैं ये हमेशा ऑन रहना है। तो इसको जो है मैं एक जगह ऐसे लगा देता हूँ जहाँ पे मेरा यूज़ ना हो। और ये जो है ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे रीसेट बटन के साथ एक इंसर्ट करने का है, जो कि अभी कभी आपको रीसेट करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। बाकी ये लाइट आपको जल जाएगा जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे, और जलने के बाद ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार पूरा जो है एक लेफ्ट राइट में जो अपना ये मुड़ के और अपना जो भी इसका सेटिंग है वो मतलब ये इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिक जैसे आप इसको ऑन करते हैं। और ये करने के बाद ऐसा ये घूमेगा भी पूरा, और ये घूमने के बाद एक तो अभी लेफ्ट राइट मतलब ऐसा मतलब ये घूम रहा है, और इसके बाद एक बार ऊपर नीचे की तरफ से ऐसे आएगा और ये अपने आप एंगल पे अपने सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर नीचे ऐसे अपना घूम रहा है। इसके अलावा आपको फिर क्या करने का रहेगा कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो परमानेंट होगा आपके केस में, जैसे वाईफाई के उसमें हो। और यहाँ पे कोई फिजिकल वायर नहीं लगती इसके अंदर, तो आपको जो है इसमें वाईफाई के थ्रू ही आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये लाइट ब्लिंक कर रहा है अभी, मतलब ये कनेक्शन के लिए रेडी है। और अगर आपके इसमें नहीं हो तो जो है आप इसको एक बार रीसेट बटन को क्लिक करके आप उसको इनेबल कर लें। और प्ले स्टोर पे जाना है आपको, मोबाइल कनेक्शन मतलब आप में जो है आपके कनेक्शन में जो है वाईफाई और ये मी सिक्योरिटी को दोनों के एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना है। और यहाँ से जो है एक बार मैं Xiaomi Home मी होम करके जो एक इनका एप्लीकेशन है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद ये जो है फटाफट से एक बार डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर से आपको इनका एग्रीमेंट, जो लाइसेंस एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको इनेबल एग्री करना पड़ेगा, और यूज़र एक्सपीरियंस को। और यहाँ पे सब अपना जो है आप कंट्री और रीजन को सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। और एक रिक्वायरमेंट होती है इसमें MI अकाउंट की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। वैसे अगर आप मी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप ही जो है ये
सर्च कर लेगा। बाकी यहाँ से अलाउ करें आप लोकेशन, डिवाइस, ऑडियो, फ़ोन कॉल, या क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है आगे को। तो यहाँ से साइन इन करते हैं, तो अगर आपके इसमें मी अकाउंट है तो ये अपने आप ही जो है डिटेक्ट कर लेगा, ये जैसे मेरे केस में है। और अगर नहीं है तो साइन अप करें इसको। साइन अप करने के बाद इसको जो है जैसे ईमेल आईडी या पासवर्ड या मोबाइल नंबर डाल के अपना क्रिएट करें, और करने के बाद जो है आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको जो है रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो है मेरा ऐड डिवाइस का ऑप्शन दे रहा है अभी। तो ऐड डिवाइस पे जाता हूँ, और यहाँ पे टर्न ऑफ वाईफाई, ब्लूटूथ ये सब कुछ ऑन कर लेना है आपको। तो ब्लूटूथ ऑन करना है, वाईफाई मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं फ़ोन में अभी वाईफाई नहीं चला रहा। तो एक बार मैं वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरे डिवाइस में जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कि अपने आप ही यहाँ पे दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता है तो कोई बात नहीं, नीचे से जो आपको 360 डिग्री कैमरा है, या जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, इसे आरओ है या फिर लाइट है, तो वो सब चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग देगा, मैसेज देगा कि जो है आप इसको रिसेट बटन को ऑन करें। तो मेरे केस में यहाँ सीधा डिवाइस दिखा रहे ऊपर ही, तो यहाँ पे मैं टैप करके और अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ, जो कि इस कैमरे के लिए होगा। मेरे फ़ोन में तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इस कैमरे के लिए जो है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपने इसमें, कि आप देख सकते हैं फटाफट से आप अपना पासवर्ड डाल लें। और पासवर्ड डालने के बाद इसमें ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका फ़ोन, कैमरा और राउटर से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। और नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, और ये क्यूआर कोड स्कैन करने को कह रहा है, तो ये कैमरे को उठाएं आप इस तरह से, और ये क्यूआर कोड जो सामने दिख रहा है इसको स्कैन कर ले। तो कुछ 10-5 सेकंड के अंदर ही जो है आपका ये स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होने के बाद एक सक्सेसफुली का मैसेज देता है। वो मैसेज देने के बाद इसमें आपको जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश आपका हो जाता है। तो ये कह रहा है मेक श्योर नेटवर्क फंक्शन वेल्ड, और ये सब अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं कहीं से। और यहाँ से सेलेक्ट रूम, किस तरह से आप इसको जो है मतलब रखना चाहते हैं, स्टडी में, मतलब बेडरूम में, टॉयलेट में, तो जो भी है यहाँ पे आपको कनेक्ट करके नेक्स्ट करना है। और शेयर डिवाइस भी यहाँ से ऑप्शन आपको देता है, अभी मैं नहीं कर रहा किसी के साथ, और अग्री करता हूँ। तो ये देख ले, यहाँ से पिंच टू जूम इन और आउट, ये ऐसा ऑप्शन दे रहा है। तो कभी जूम करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ से इस तरह से आप जूम करके सीधा अपने मोबाइल पे लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि जैसे मैं राइट में करता हूँ तो ये कैमरा अपने यहाँ पे रोटेट होता है, और जब आपकी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे ठीक है राइट साइड का फुटेज देखना है तो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का देखना है तो लेफ्ट साइड का, इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एट ए टाइम एक सिंगल एंगल पे ये सेट होता है, अपने आप मतलब मूव नहीं करता। और इसकी एक खासियत ये है कि जैसे कई बार मोशन को डिटेक्ट करता है, ये कोई आ रहा होता है उस केस में, तो वहाँ पे भी जो है ये आपका एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट की तरह से अगर आप इसको वो करना चाहते तो वो भी आपके इसमें छोटे क्लिप में रिकॉर्ड करके दे देगा। जैसे इसको कुछ सस्पिशियस लगता है या फिर कुछ ऐसा मोशन डिटेक्ट करता है ये, तो वो छोटे छोटे आप इसमें जो है मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कहाँ पर ये जो है एक सेव कर लेता है। बाकी ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये रोटेट करता है, अपने आप नहीं घूमता ये, मैं इसको घुमा रहा हूँ ज़रूरत के हिसाब से, तो ये जो है घूमता है। और काफ़ी अच्छी बात है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी मतलब, और इसमें नाइट विज़न भी है आपको, जैसे रात में भी आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और कई फीचर हैं कि मतलब कंपैटिबल, ये जो है आपके एंड्रॉयड या iOS दोनों में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, टाइम और डेट आपको ऊपर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, बाकी कंट्रोल आप फुल स्क्रीन में भी करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट राइट करता हूँ तो ये देखिए एक मैसेज दे रहा है कि जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है, मतलब लेफ़्ट साइड में एक सेट है, वहाँ से ज़्यादा मुड़ता नहीं है, तो आपको फिर दोबारा से वहाँ पर से लेके आना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, जो कि आप इसको रख सकते हैं कहीं भी। बाकी मैं स्टोरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर से 64 GB तक का आई थिंक इसमें स्टोरेज सपोर्ट करता है, अगर आप इसको मेमोरी कार्ड में फुटेज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। और 1080p का है, तो 1080p का फुटेज है तो जो है आप 6 दिन तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं, और HD का फुटेज जो है आप 10 दिन तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं 64 GB का मेमोरी कार्ड। तो इस तरह से जो है ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं इसको, बाकी ऑनलाइन तो है ही है कि जो है आप इसको लाइव देख सकते हैं कहीं से भी। तो काफ़ी एक अच्छा कैमरा है, एक इसका प्राइस जो है वो 2600 रुपये तक का आपको मिल जाता है, ऑनलाइन अगर आप देखते हैं मी स्टोर पे तो 2700 का है अभी प्राइस, बाकी कम ज़्यादा होता रहता है ये। तो कई बार आप अगर ऑफ़र में ख़रीदते हैं तो वहाँ पर से आपको जो है ये कम में देखने को मिल जाता है। कॉलिंग का फीचर है इसमें, आप देख सकते हैं कॉल इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो टू वे जो है ऑडियो इसमें सपोर्ट करता है, आप अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ का जो है साउंड जो है आप सुन सकते हैं। तो और या फिर आप इधर से कॉल करना चाहते हैं तो कैमरे के अंदर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा।
वो सभी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर से जो है आपको ये किस तरह से फुटेज देखना है, ऑडियो में, वो ऑटो में, लो में, एचडी में, तो वो मैं एचडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें अच्छा फुटेज आपको दिखाएगा। अब इसके अलावा यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग का, स्क्रीनशॉट का, और ये आप जैसे इनेबल करते हैं इसको तो साउंड आप सुन सकते हैं अपने फ़ोन पे डायरेक्टली। तो यहाँ पर से एक बार मैं कैमरे की सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर से दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। कई सेटिंग है, कैमरा सेटिंग, होम मॉनिटरिंग, मैनेज स्टोरेज, ऑटोमेशन, तो इस तरह से सभी जो है डिवाइस का इन्फॉर्मेशन और नेम वगैरह इसमें। इसके बाद कैमरा सेटिंग मिल जाते हैं, तो यहाँ पर से आपको नाइट सेटिंग और अल्ट्रा वाइड और इमेज का जो है रोटेट करने का, वो सभी फीचर इसमें अपने हिसाब से आप सेट करें क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। नाइट विजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से इनेबल करने के बाद और मतलब नाइट में भी अच्छा फुटेज आपको ये प्रोवाइड कराता है, तो वो चीज़ इनेबल करना पड़ता है, इसमें आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है स्टोरेज डिवाइस या फिर इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं कि एक बार में दो कोई फोटोज देख सकता है। और ये तो इस तरह से सभी सेटिंग है, आप को जो अच्छा लगता है मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आप देख सकते हैं बैक साइड से अगर मैं बात करूँ तो ये माउंटिंग के लिए है और यहाँ पे रीसेट बटन मिलता है, कभी आप दूसरे नेटवर्क पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो रीसेट बटन को प्रेस करें और जो है अपने हिसाब से जो नेटवर्क को रीसेट करने के बाद आगे किसी दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही वीडियो में बताने के लिए था मेरे पास। और एक कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा है सर्विलेंस के लिए, जो है आप इसको मतलब DVR, HDD मतलब हार्ड ड्राइव और इन सब चीज़ों का जो है झंझट नहीं रखना चाहते, तो एक अच्छा कैमरा है एक सिंगल मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन इसके लिए वाईफाई कनेक्शन आपको होना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।